वालेकुम। आज हम मंदी मंदी बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए, हमने दो दो साबित मुर्गियों का चिकन लिया है, दो मुर्गियों का, और 2 किलो लंबे बासमती चावल लिए हैं। चाहे आप चाहे तो दूसरे कोई भी चावल ले सकते हैं। और इसको हमने गोश्त को नींबू और प्याज डाल के धो दिया ताकि इसमें की विसांदी बू जाए। और पाव सिर खट्टा दही लिया है और 1.5 चम्मच नमक, 1.5 टेबल स्पून नमक लिया है, और ये 2 भर के टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया है, और ये कंटक्की मसाला है जो हम चिकन को बॉईल करे बाद लगाएंगे। फिर चिकन को हम मैरिनेट करेंगे, इसमें दही, और फिर उसके बाद इसमें नमक जो ये हमने रखा था, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर तक दही और नमक जाए। फिर इसे 4-5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख लेंगे। फिर इसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको भगाने के लिए हमें चाहिए खड़ा मसाला, 1 टीस्पून शाहजीरा, 5-6 लौंग, 7-8 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पान, 3-4 इलायची और 10-12 काली मिर्ची, और 1/2 टीस्पून हमने तंदूरी कलर लिया है, और 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला लिया है, और 2 बड़े टेबल स्पून इस तरह के 2 बड़े टेबल स्पून हमने कंटक्की मसाला जो बाज़ार में रेडीमेड मिल जाता है वो लिया है हमने। अगर आपके पास ये ना हो तो आप तंदूरी चिकन मसाला भी डाल सकते हैं खाली। और फिर बघार में हम 2 टमाटे, 2 प्याज साबित, आलू और लहसुन इस तरह साबित ही डाल देंगे। फिर बाद में इसको हम पिसके इसकी चटनी बनाएंगे, और गोश्त को बाद में धोने बाद उसमें धुएँ के देने के लिए हमने एक कटोरा भर के कोयले लिया है। चिकन हमारा जो हमने दही और अदरक लहसुन लगा के फ्रिज में 4 घंटे रख दिया था, उसे बाद में इस तरह छुरी से हमने उसे खोचे लगा के 1/2 घंटा रख दिया था। अब इसे हम बघारेंगे। ये 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें, ये बघार के लिए हम 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे, और ये जो खड़े मसाले हमने रखे थे ये सब एक साथ डाल देंगे। फिर जैसे ही ये थोड़े इसमें से खुशबू आना शुरू हुई तो उसके बाद हम इसमें फिर चिकन डालेंगे, थोड़ा 1/2 मिनट तक इसे पकने देंगे। फिर उसके बाद एक 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 करके इस तरह हम एक एक करके इसमें पूरा चिकन डाल देंगे। ये हम बाकी का जो दही था बचा हुआ उसमें पूरा डाल देंगे, और ये टोटल 3.5 किलो चिकन है जिसमें 10 से 12 लोग आराम से खा ले। इस तरह से हम इसको बीच में करके इसमें प्याज और ये जो टमाटे जो रखे थे हम सब एक एक करके डाल देंगे। फिर जब तक चिकन नरम ना हो तब तक हम इसे गलने देंगे, 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। अगर हाथ से ऐसा दबा के देखना, अगर गला तो फिर बंद कर देंगे गैस। अभी इसे हम ढक कर पकने देंगे। ये हमने इसे बीच बीच चेक किया है तो थोड़ा और 2-3 मिनट इसे गलने देना है। मंदी की चटनी के लिए हमने 1/2 किलो टमाटे, 1/2 कप
हरा धनिया और एक डल्ली लहसुन और 4-5 हरी मिर्चियाँ और आधा कप पुदीना लिया है। इन सबको ये टमाटर को बारीक काट के और एक नींबू लिया है, इसका रस हम निकाल के पिस्ते वक्त सब एक साथ डाल देंगे। ये चटनी हमने खफसे के चटनी के साथ बनाए थे, सेम वैसी ही तरीका है इसका। फिर बाद में इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, बारीक काट के टमाटर सब एक साथ डाल के पीस लेंगे और फिर नमक भी डालेंगे इसमें आधा टीस्पून। ये चिकन हमारा गल गया है, इसको हम सूखा ऐसा निकाल देंगे और आधा इसका आधा शेरवा हम चावल पे छिड़केंगे मंदी के, और आधा है तो जो हम चटनी बनाने वाले मिक्सर में पीस के उसमें उससे आधा उसमें डालेंगे चटनी में और आधा चावल पे छिड़केंगे। इसके बाद हम फिर इसको कंटक्की मसाला कलर ये वो लगा के रखना है, फिर आधा घंटा और रख देंगे इसको लगा के। सब जो जो मसाले हमने रखे हैं वो सब लगा के इसको रख देंगे आधा घंटा। फिर इसके बाद हम इसको हल्के से तेल में फिर फ्राई करेंगे। चिकन हमारा अभी ये बॉईल हो चुका है, इसमें हमने जो ये तंदूरी कंटक्की मसाला ये एक 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 करके सब इसमें, और ये दो नींबू के रस हमने निकाले हैं जो उसमें डाल देंगे हम, और ये तंदूरी चिकन मसाला जो हमने निकाल के रखा था, और ये तंदूरी कलर, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सब मिक्स कर देंगे। इस तरह से रफ कर डालेंगे ऐसा ऐसा, और फिर इसको आधा घंटे तक ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा तेल डालकर फ्राई करेंगे, और अगर चाहे तो आप इसको बॉईल भी रख सकते। जो ये सऊदी की डिश है ये, तो वहाँ पर इसी तरह फीका रहता है गोश्त, ये हम इसको थोड़ा अच्छा चटपटा टेस्टी दिखना बल्कि इसमें तंदूरी मसाला ये लगा रहे, वरना आप चाहे तो उसको सिर्फ दही में जब हमने जब बॉईल करे थे वैसा भी रख सकते हैं आप चाहे तो इसको, अगर आपको फीका पसंद है तो उस तरह भी रख सकते हैं। और ये शेरवा हमने आधा निकाला है बॉईल चिकन का, जो हम चावल बॉईल करते हैं तो उस पर छिड़क कर दम देंगे, और आधा हमने चटनी के लिए रखा है जो हम आपको बताएंगे जो और की चटनी बना रहे हैं। हम दो चटनियाँ बनेंगे हम इसके लिए, जो है तो हम इसके ऊपर कंटक्की के ऊपर भी डाल सकते हैं या तो आप चावल के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं। ये हमारी जो दूसरी चटनी है जिसे हमने चिकन के साथ उबाला था, ये इस तरह हमने लहसुन कर सब एक एक करके पूरे लहसुन के छिलके निकाल दिए हैं, और टमाटे पे भी जो छिलका था वो भी निकाल दिया, और प्याज वो सब गल गई, और आधा शेरवा हमने पहले आप इसको छन्नी से छान ले ताकि चिकन की हड्डी वगैरह उसमें ना आए, और जो उसमें काली मिर्ची तेजपान लौंग जो डाले थे हमने वो हमने इसमें से चुन के ये शेरवे में डाल दिया है। अब हम इसमें ये सब डालकर एक साथ मिक्सी में घुमा लेंगे, और फिर इसमें हम आधा टीस्पून ये तंदूरी मसाला जो हमने चिकन को लगाया है वो आधा टेबल स्पून डालेंगे, और आधा टीस्पून बिल्कुल आधा टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला डालेंगे। अब इसको फिर मिक्सर में पीस लेंगे। ये चटनी हमने पीस लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बस एकदम आधा टीस्पून तंदूरी कलर डालेंगे, और इसको हम कच्ची नहीं रखने का, इसे हम बटर डाल के बघारने वाले हैं। अब हम ये चटनी को बटर से बघारेंगे, थोड़ा सा एक टेबल स्पून बटर लिया है हमने, इसको थोड़ा पिघलन देंगे, चाहे तो आप और भी डाल सकते, थोड़ा इसको पिघलन देंगे, इसको मिनट होने देते हैं। इसके बाद हम इसे
अब इसमें हम ये पीसे से क्या करते हैं डाल देंगे और इसको थोड़ा खतपत पकने देंगे, थोड़ा 5 मिनट तक पकने देंगे। इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी चमचा हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। इस पे हम कंटक्की मसाले का तेल थोड़ा कड़कड़ा के, कंटक्की मसाले का, अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची, दोनों मिला के इस पे बदार आखिर में डाल देंगे। वही भगोने में हमने पानी, एक मतलब 2 लीटर पानी लिया है, उसमें ये 2 से 3 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा कम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम वो चिकन का पानी जो छिड़क रहे उसमें भी नमक है। और फिर उसमें ये सब आधा आधा टीस्पून हमने खड़ा मसाला ले लिया है, दालचीनी, शाहजीरा, लौंग, इलायची, क्योंकि वो पानी में भी शाहजीरा है, खड़ा मसाला हमारा है तो इसलिए हम थोड़ा कम डाल रहे हैं, चिकन के पानी में भी है। ये चावल को हमने आधा घंटा भिगा दिया था, फिर इसको ये पानी बॉईल करे बाद इसमें हम चावल डाल दिए, फिर इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको और 10 से 15 मिनट पकने देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है हमने चावल को क्योंकि उस पर हम पानी, चिकन का जो पानी रखे हमने वो उस पर छिड़कना है, तो इसलिए इसको थोड़ा, जब एक कनी बाकी रहेंगी तब हम उसे निथार देंगे। 7 से 8 मिनट तक हमने पकने दिया इसको। बस इस तरह, ये इस तरह से ऐसे नरम, बस आधे कच्चे आधे नरम निथार लेंगे फिर इसको, क्योंकि इसमें हम पानी छिड़कने वाले हैं तो इसलिए इसको अब निथार देंगे। अब हमने इसको निथार दिया है, फिर ये जो शेरवा हमने गोश का रखा था उसको अच्छे से इस पर डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। और ये हमने 1 कप तेल को 1 डल्ली प्याज डालकर इसको तल के, वो तेल हम इसमें डाल रहे हैं तली हुई प्याज का। फिर उसमें हम थोड़ा ज़ाफ़रानी रंग डालेंगे और थोड़ा येलो कलर डालेंगे। फिर इसको हम 10 से 11 मिनट तक, जब तक उसमें से भाप ना निकले तब तक से दम देंगे। हमने एक छन्नी लिया है जिसमें हमने 10-12 कोयले डाल के इसको गैस पे गरम कर ले लाल होने तक उसको। फिर इसको बाद में हम चिकन, ये चिकन जो फ्राई हो रहा है उसको अच्छी तरह ब्राउन होने देना है, दोनों तरफ साइड से अच्छे से कढ़ाई में कम तेल डाल के इसको फ्राई करना है, ज़्यादा तेल ना डालना, कम डालना है इसमें, ज़्यादा डाले तो फिर कड़क हो जाएंगे। थोड़े से तेल में इसको फ्राई करें, अच्छे से दोनों साइड से होने दे। थोड़ी देर फिर से हम एक थोड़ी देर 2-3 मिनट ढक्कन ढाँप कर फिर एक बार और ढक्कन उठाकर चेक करेंगे इसको, दोनों साइड से इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर इसको अच्छे से पलटा दे दोनों साइड से। जब अच्छे से ब्राउन हो गए बाद से फिर एक छन्नी में डालकर जो कोयले हमने गरम करे थे उस पर वो छन्नी रख देंगे ताकि पूरी धुएँ की उसके अंदर, धुएँ के पूरी इसमें की खुशबू उसके अंदर चले जाए। 2 से 3 मिनट तक छन्नी को हम कोयले पर रहने देंगे, इस तरह धुआं निकले तक उसे कोयलों पर रहने देना है। फिर उस पर एक ढक्कन ढाँप देंगे फिर और 2-3 मिनट रहने देना है। इस तरह हमने ढाक दिया है और पूरे धुएँ के खुशबू के अंदर
फिर और इसी तरह पूरा चिकन हम एक एक करके कढ़ाई में डालकर फ्राई कर करके रख लेंगे। फिर उससे उसको भी इसी तरह धुएं छन्नी में डालकर कोयले पर रख रख के इस तरह हम पूरे चिकन को इसी तरह ब्राउन करके फिर धुएं की बूर देकर फिर जो चावल हमने बनाया उस पर रखेंगे। फिर ये हमारी मंदी तैयार है। ये जो हमने चटनी जो बॉईल करे थे चिकन के साथ, इसको ऐसे मिक्सी में पीस के इसको बगाड़ दिया है। और ये टमाटे की पुदीने की चटनी है जो हमने हफ्से के साथ ही बनाया था। फिर इसको इस तरह एक स्पून से फिर इस तरह जब आप सर्व करें तो इसको इस तरह चिकन पे डाल दीजिए। लीजिए, ये हमारी मंदी तैयार है।